नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मैं सफ़र पे हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सोलन जा रही हूँ। सोलन में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा को जो है अपना सत्संग शिविर अटेंड करना है और हम उन्हें लेके जा रहे हैं। हम अकेले तो भेज नहीं सकते, इसलिए लेकर जा रहे हैं। तो अभी मैं सफ़र में हूँ, मैं सोलन पहुँचती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अभी गर्मी भी बहुत है और हालत भी ख़राब है, तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आज का टॉप कमेंट है ये, इस टॉप कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सोलन चलते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों पापा का सत्संग सभा ख़त्म हो गया है और हम लोग वहाँ से फ्री होकर यहाँ सुबत्थू आए हैं। सुबत्थू में मेरी सिस्टर रहती है, तो हम उसके रूम चलेंगे। अभी मेरे पापा वहाँ कुछ ख़रीद रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग रूम चलेंगे। तो हालत बिल्कुल ख़राब है, हम किनौरे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, एक किलो करते और बोलो आम बस हो गया, रूट ले लिया पूरा है, हो गया। चलो हम पहुंच गए हैं मेरी सिस्टर के रूम के बाहर। तो चलिए अंदर चलते, थोड़ी देर रेस्ट करते, फ्रेश होते, फिर व्लॉग कंटिन्यू रखते। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड आराम फरमा रहे हैं, थके नहीं थके। और यहाँ देखिए पापा आते आराम करने लग गए, थक गए। दोस्तों हम नहा धो के फारिग हो गए हैं, गर्मी से हालत खराब हो गई थी, अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो अब मैं आपको मेरी छोटी बहन भारती से मिलाती हूँ, वो खाना बना रही है और क्या बना रही है पूछते हैं चलिए। तो दोस्तों ये है मेरी बहन, छोटी बहन भारती। भारती खाना बना रही है, तो क्या क्या बना रहे हो? आज मैंने घिया की सब्जी बनाई है। घिया की सब्जी है, और ये मैंने बनाई है मटर पनीर। मटर पनीर, और ये मैंने चावल बनाए हैं। चावल चावल भी, और ये दाल। ये चावल है जी, ये मटर पनीर है,
और यहाँ दाल है, मलकी की दाल है, ये सब्जी है। तो अभी इतनी सारी वैरायटी, खुशी से बिल्कुल लंगर ही लग गया है। चलो ठीक है, चार हो गए पांच। आपको इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम सोलन क्यों आए हैं सुबह, लेकिन फिर मैं एक बार और बता देती हूँ। आपको पता है मेरे पापा जो है एक सत्संग संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके गुरु सदगुरु रामपाल जी महाराज के मेरे पापा जो है अनुयायी हैं। तो वो अपने संघ का जो शिविर होता है, वो सत्संग शिविर होता है, वो अटेंड करते हैं रिब्बा में और ज्योरी में। वहाँ नज़दीक पड़ता है किन्नौर में, और किन्नौर से ज्योरी भी नज़दीक पड़ता है, और किन्नौर में जो है रिब्बा है, तो वहाँ नज़दीक पड़ता है, इस वजह से वहाँ अटेंड करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है बीच में उन्हें यहाँ भी आना पड़ता है। तो इस बार हम भी आ गए पापा के साथ सत्संग शिविर के लिए। साथ ही साथ हम अपनी बहन से मिलने आए, मेरी बहन का घर जो है यहाँ सोलन में सुबाथू में है, वो अपनी बेटी और फैमिली के साथ रहती है, तो हम उससे मिलने भी आए और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी गर्मी है जो हम किन्नौरों से बर्दाश्त नहीं होती है, हम पहाड़ों में रहते हैं तो फिर ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ़िलहाल यहाँ से आपको व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ये है मेरी बहन की बिटिया, तो अभी शर्मा रही है व्लॉग में आने को। आग कहाँ लगी? वहाँ देखो जी, आग लगी है। वो रोड है, वहाँ पे एक पेड़ भी गिर चुका है इस वजह से। अच्छा, और कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये रोड पे आ गया है। अच्छा, कोई इस पे अपना अटेंशन नहीं डाल रहा। ठीक है, लेना चाहिए, कहीं यहाँ तक पहुँच गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो यहाँ होता रहता है, होता रहता है। पिछली बार यहाँ बाढ़ भी आई थी नाले में। इस बिल्डिंग के पास और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक गाड़ी आई थी। अच्छा, बस दो डालियों के उससे सपोर्ट से वो बचा रहा, नहीं तो जो ड्राइवर था वो यहाँ से चला जाता, उसकी मौत भी हो सकती थी।
अच्छा। चलो उसने बचाने की मतलब कुत्तों के बच्चों को बचाने के इंटेंशन से किया था, अभी वो बच गया। हाँ, ऐसे लोगों की मदद। उसके एक्सीडेंट के पीछे जो है अच्छे इरादे थे। अच्छे इरादे थे, नहीं तो अगर वैसे था वो ड्रंक था, ऐसा नहीं था कि वो सूफी हालत में था, था तो वो ड्रंक, पर फिर भी भगवान देखते हैं कि आपका इंटेंशन क्या था, तो उसे बचा दिया। अच्छा जी। ऐसे लोग भी होने चाहिए जो अपने मतलब एरिया को बचाए, कोई रिस्पॉन्सिबल लोग होने चाहिए। तो आप नहीं जा रहे हो बचाने? तो ये मतलब ये एक रोड क्रॉस करके है ना, अगर मेरे यहाँ पे लगा होता तो मैं तो पक्का जाती, सबसे पहले जाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब समाज सेविका हूँ। मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन किसी को बचाने की वो होना चाहिए। कभी कभार लोग ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ घटनाएं हो जाती है, जिस जो घटना होनी नहीं चाहिए। तो हम कोशिश तो कर सकते हैं किसी को बचाने की, बाकी उसकी किस्मत में लिखा है उसने बचना है नहीं बचना है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। पता क्या हुआ कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, यहाँ पे एक दो मंजिला मंजिल है, आपको दिख रहा होगा उधर को, एक दो मंजिला घर है, और इसके जो पहला मंजिल है यानी जो टेरेस है, वहाँ से एक बच्ची गिरी, 7 साल की बच्ची थी और उसकी मौत हो गई। देखिए वहाँ से पहले भी कोई गिरा था, ऐसा नहीं है कि वो ही गिरी थी, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबका लिखा होता है, उस बच्ची की लाइफ इतनी ही थी, भगवान ने उसकी लाइफ इतनी लिखी होगी, है ना। तो हम कुछ कर तो नहीं सकते, उसे बचाने की बहुत कोशिश की। रात के 8 बजे ये घटना हुई, तो मतलब सब ने उसको कोशिश किया, 1 बजे उसे हॉस्पिटल में रेफर किया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, सुबह को उसकी डेड बॉडी आई। तो बोल सकते हैं लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। अब उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, ऐसे थी तो वो 3 बच्चे थे, सबसे छोटी फिर वाली भी थी, माँ बाप के लिए तो सबसे ज़्यादा छोटे वाले पे होता है। तो मैं तो यही उस दिन जब ये हुई थी घटना, तो हम तो यही प्रार्थना कर रहे थे कि उसके माँ बाप को सहन शक्ति मिले, अपनी संतान होना एक छोटी बात थोड़ी है। सही बात है। ओ आग देखो कितना भड़ी है, वाकई यार। तो दोस्तों यहाँ ऊपर बहुत जोरों की आग लगी है ना, क्या बोलूँ, गंभीर आग लगी है, और हम भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, कर तो कुछ नहीं सकते। हाँ नज़दीक होगा तो फिर बाल्टी लेके जाएंगे। बैकग्राउंड में हमें अभी दिख नहीं रहा होगा, ये जो दिख रहा है ये देखिए ये। तो अब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है, और थोड़ी देर व्लॉग बनाते हैं। हाँ तब तक जब तक यहाँ पे पहुँचना जाए आग, तब तक मानसी नेगी जी व्लॉग बनाएंगी। अच्छा जी मेरी माँ। और मैं जाऊँगी बाल्टी लेके, ये वो व्लॉग भी बनाएंगे। अच्छा जी अच्छा। लेकिन ये उम्मीद करो कि वहाँ ऊपर जो लोग हैं वहीं से ही इसको बुझा दें, वहाँ फिर से लगे। ठीक है। दोस्तों शाम का समय हो गया और भारती जो है अपना पाठ कर रही है, गुरुवाणी पढ़ रही है। नमस्तम करीमे नमस्तम अंते नमस्तम अमरंते नमस्तम नमस्ते सुरावि नमस्तम सुवाहि नमो सर्वसुखम नमो सर्वभोगम नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योग योग नमो भोग भोगे नमो सर्वदियादि। तो यहाँ देखो दोस्तों पापा भी देख रहे हैं आग। यहाँ आ गया तो प्रॉब्लम हो गया ना। दिख रहे
दोस्तों फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी आ गई है और आग बुझाने में लग गई है, तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, वरना तो थोड़ी देर के लिए हम भी घबरा गए थे कि आग यहाँ पे पहुँच जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ऊपर रोड पर ही आग बुझाने का काम हो रहा है, अब रोड पर, वहाँ पर रोड पर ही आग बुझा रहे फायर ब्रिगेड वाले। तो अब हम भी ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, कल का ब्लॉग देखते हैं क्या क्या होता है। तो आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना ख्याल रखते हैं, बाय।